टीवी देखी। सर ने कहा तूने कैसी भी टीवी देख ली, क्या चालू नहीं की टीवी? पहले दिन अपन गाना गा रहे थे, हाथ तो जेब खुल गए, अब जेब बंद गए वापस से। गाइस आपको लाइफ में जो करना है वो करो, लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ो। नानी यहाँ पे भी आ गई। अभी कैमरा ऑफ हुआ था ना, सीन कट हुआ था, जब अपन से सबने कहा था कि इसमें मलाई नहीं है, इसको मत छान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ ये दिन आपका अच्छा बीतेगा। और गाइस अपना दिन तो एकदम चकास बीतने वाला, क्योंकि अपना स्कूल का फर्स्ट डे, बहुत मजा आएगा। आज बैग भी बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि मैम ने कहा है कि पहले दिन है ना सारी कॉपीज लेके आना है, पिछले साल की मैम ने अपन को कहा था। चलिए फटाफट से चलते हैं, मम्मा बैग उठाने का काम आपका है, चलते हैं गाइस। काम से पीछा छूटा अपन, पापा ने बुलेट साफ कर लिया, फटाफट से निकलते हैं। पापा आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं पहले दिन क्या होता है, कैसी कैसी मैम से मिलती है अपन को। रास्ते में तो अच्छी खासी चमकी, मस्त मजा आ गया। चलिए अपन फटाफट से चलते हैं, बाय। फर्स्ट डे स्कूल का देखते हैं कैसा होगा। 2000 years later। कैसे हैं सब? पूरी क्लास से कह रहे होंगे? क्या कह रहे हैं? मैंने मेल से पहले कहा कि सब है ना पैराग्राफ लिखो कि तुमने छुट्टियों में क्या क्या किया। हाँ। तो है पता क्या हुआ, मैंने लगा टीवी देखी, सर ने कहा तूने कैसी भी टीवी देख ली, क्या चालू नहीं की टीवी? गाइस अभी अपन स्कूल से फ्री होके आ चुके हैं, वैसे ऐसा लगता तो ऐसा है कि 3 घंटे की जेल में जाके आ चुके हैं, लेकिन अपन आदर डाल ही लेंगे, क्योंकि अपन इतने दिन से खुले पक्षी थे और यहाँ पे बांध दिया हमको। पहले दिन अपन गाना गा रहे थे, हाथ तो जेब खुल गए, अब जेल बंद गए वापस से, पर कोई नहीं अब आदर डाल लेंगे। तो गाइस आज के दिन अपन मिले अपनी 4 मैम से, तो बता दें आप सबको उनके नाम। पहली मैम तो है रश्मि मैम, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जब अपन 3rd क्लास में थे ना, जब भी मॉनिटर्स बताया करते थे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैम है। फिर अपन 2nd मैम से मिले राखी मैम, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अपन को 3rd क्लास में भी पढ़ाती थी, और ज़्यादा डेंजरस है वो, लेकिन अगर अपन अच्छे से देंगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है। 3rd जो सर थे ना, वो थे निर्भय सर, जो कि बहुत ज़्यादा फनी और मस्त है। फिर अपनी सबसे मस्त मैम जो अपन को बिल्कुल नहीं डांटती है, निवेदिता मैम। और कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है कि निवेदिता मैम अपन को पिछली क्लास में भी पढ़ाती थी और अब भी पढ़ाएंगी। अगर वो क्लास ही जाए उतने साल की, तो भाई ये जो क्लास है ना, ये लपू जो मतलब ये बिल्कुल ही बिगड़ जाती, क्योंकि वो मैम किसी को डांटती नहीं है और पूरी क्लास फिर मज़े में ले लेती। फिर इसलिए इस बार रश्मि मैम को क्लास टीचर बनाया गया है, और बहुत मस्त थी सारी मैम और अच्छी थी। गाइस भले कुछ भी हो जाए, टीचर आते जाते रहेंगे, कैसे भी आएंगे कैसे भी जाएंगे, लेकिन अब उनको उन टीचर्स से पढ़ाई करने से मतलब है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है। अब भले ही वो कैसे भी टीचर पढ़ाए, लीनियर या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। गाइस आपको लाइफ में जो करना है वो करो, लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ो। अपन ब्लॉगिंग करते हैं लेकिन साथ में स्कूल भी जाते हैं, अपन पढ़ाई नहीं छोड़ी है, ब्लॉगिंग करते हैं तो पढ़ाई भी बराबर करते हैं। गाइस अभी अपन कर रहे हैं अपना नाश्ता, चलिए फटाफट से पहले अपन ये सब्जी खा के देखते हैं। गाइस सब्जी तो मस्त है, कचौरी लेने तो भूल ही गए, अच्छा हुआ अपन ने ले ली, वरना कचौरी वेस्ट हो जाती। गाइस अभी अपन थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए आ चुके हैं डी मार्ट। सीन कुछ ऐसा हुआ, अपन को सामान लेना था, चलिए चलते हैं लेने के लिए सामान, और देखते हैं अपन पेस्ट्री वगैरह ले पाते कि नहीं। पापा मम्मा का मूड सही हुआ तो ले पाएंगे, चलिए चलते हैं। गाइस वैसे अपन महीने में डी मार्ट तो जाते रहते, लेकिन ब्लॉग ज़्यादातर बनाते नहीं हैं, और आज दाम पड़ा तो अपन वापस आ गए, चलिए चलते हैं फटाफट से। 2 hours later। गाइस अभी अपनी फाइनली 2 घंटे के बाद शॉपिंग हो चुकी है, और गाइस आप अपने मुंह पे आइसक्रीम की थोड़ी सी टपकती हुई देख ही रहे होंगे, और ये आइसक्रीम के टुकड़े, यानी कि अपन आइसक्रीम तो खाई है और नानी भी वहाँ बैठ के खा रही है। चलिए अपन, नानी यहाँ पे भी आ गई। तो अब इसके अंदर डालना हल्का सा, गाइस बड़ा मस्त है, पानी डाल के भी। गाइस आइसक्रीम के कोन में पानी, अभी आइसक्रीम का पूरा कोन भी जा चुका है, अब मेरे पेट में पानी पिला भी दो।
और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, अपन ने कोल्ड ड्रिंक भी खरीदी है उसको भी चल के पीते हैं, और एक केक भी खरीदा उसको भी खाते हैं। तभी अपन मार्केट जाके घर पे आ गए थे, रेस्ट करा अपन ने 2-3 घंटे, और अभी बजे शाम के पास, तो अपन चाय पीने मतलब दूध पीने वाले, बेसिक सी बात है। और उसके बाद अपन जाएंगे बुक्स को रिटर्न करवाने के लिए। बुक्स वाले भी ये कहते हैं कि जो बुक्स हमसे मिल जाए वो बुक ले लो, और जो बुक वहाँ पे है उनको रिटर्न कर दो। तो अपन को बुक्स रिटर्न भी करनी है, चलिए उसके लिए चलते हैं। पहले अपन चाय दूध पी लेते हैं। और अब सोच रहे चलने किस बात की, तो गाइस अपन को मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब ऐसे कोई एनर्जी नहीं है, खा सकते हैं लेकिन बिल्कुल पसंद नहीं है अपन को, इसलिए अपन उसको छान के पीने वाले हैं। चलिए फटाफट से चल के उसको छान के पीते हैं टीवी देखते हुए। गाइस जब अभी कैमरा ऑफ हुआ था ना, सीन कट हुआ था, जब अपन से सबने कहा था कि इसमें मलाई नहीं है इसको मत छान, और लेकिन अपन इसको छान के प्रूफ करेंगे इसमें मलाई है। ये देखो कितनी मलाई है इसमें, देखो दादी मलाई है ही नहीं। ये देखो मलाई, ये देखो गाइस आप भी, इसमें कितनी सारी मलाई है। चलिए उसको चल के पीते हैं, अभी तो और दूध है। गाइस अपना वो सामने बुक स्टोर आ चुका है, देखते हैं आगे कोई भीड़ वगैरह तो नहीं है। और गाइस अपन ने बुक्स तो ले ली है, लेकिन अब अपन को आगे बुक्स रिटर्न कराने भी तो जाना है, और देखते हैं कौन कौन सी बुक अपन को रिटर्न करानी है। तो अपनी बुक्स है ना वो फ्लॉलेस तरीके से रिटर्न हो चुकी है, और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी मॉरल साइंस की बुक। और गाइस मैम ने कुछ ऐसा बताया था कि 10 दिन के बाद वो बुक मिलेगी, यानी कि 10 अप्रैल को, लेकिन अपन को 9 अप्रैल को ही मिल चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये मॉरल साइंस की बुक, लेकिन अब भी अपन को उस पर डाउट हो रहा है कि ये मॉरल साइंस की बुक नहीं हो सकती है। हमेशा से ऐसी बुक देखी नहीं है भाई, एडवांस आ गई है बुक्स, ये देखो एडवांस तरीके से पढ़ाने का वो चीज़ है ना, इसलिए मुझे ये सबसे हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है। लग रहा है।